3.8 परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। गोल्डस्टीन द्वारा 1886 में केनाल किरणों की खोज हुई। ये किरणें धनावेशित थीं। उनके द्वारा दूसरे अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण न्यूट्रॉन को खोज निकाला, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था और उस पर कोई आवेश नहीं, अनावेशित था। यह कण हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में होते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के आधार पर ज्ञात किया जाता है, जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को नापने की इकाई U, यूनिफाइड मास है। नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E-, प्रोटॉन को P+ तथा न्यूट्रॉन को N द्वारा दर्शाया जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। इसे इस प्रकार लिखते हैं। लिथियम और कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 3 और 20 है। लिथियम और कैल्शियम की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाइए।